कर रहा है। न्यूक्लियर के अलावा अगर आप बात करेंगे छोटे टैंक टैंक्स वगैरह, उसके बाद आप अपने एयरक्राफ्ट तो सेल कर ही सकते हैं ना अदर कंट्री में। अभी मैं आपको इंडिया के रिकॉर्ड्स बताता चलूं, इंडिया ने 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा इस साल के अंदर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के अंदर। आप बात करेंगे, आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया डिफेंस सिस्टम को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है और कितना ज़्यादा उसको सोच रहा और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा। हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम एक्सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं जाते? आपको पता बनाने से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा पैसा, जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो हम खुद भी कर पाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं ना वो बहुत मेजर हैं, इतने ज़्यादा नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकें वेपन्स वगैरह कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमारी जो नीड्स हैं अभी इस मरले पर वो भी पूरी हो जाती है ना तो ये मोर देन एनफ है। तो इंडिया जो है वो आपको पता है उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज उनका फॉरेन में बहुत ज़्यादा है और उनका जीडीपी हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जबकि हमारे रिसोर्सेज ही नहीं हैं इतने। अगर हमारी आर्मी इतना क्या कहते हैं प्रोडक्शन कर सकती है कि वो स्टेप अप कर सकती है दूसरी आर्मीज़ के साथ, दूसरी जो मिलिट्री पावर्स हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हालात मुल्क के चल रहे हैं इसको देखते हुए अगर हम किसी मुल्क को जवाब दे पा रहे हैं, ये भी बहुत है, बहुत मोर देन एनफ है यार। आज के हालात में देखें हमारा कंट्री 7th, हमारी जो रैंकिंग है ना आर्मी की वो 7th पर रहा है जबकि हमारा जीडीपी वो 42nd पर आता है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखिए ना, जीडीपी कहां पर है? 42nd पर, लेकिन जो हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ है वो 7th पर है। सर हम 7th पर हम खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर, लेकिन जो 7th की जगह अगर हम वही 7 रैंकिंग हम अपनी एजुकेशन में लेके आए तो आपको नहीं लगता कि अगर हम आप बात करें डिफेंस की, हम दुनिया के हर सेक्टर के अंदर हर चीज़ को मात देंगे? आपको लगता है कि अभी वेपन्स की वार है आने वाले टाइम के अंदर या फिर इकोनॉमी की वार होगी? देखिए, क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल, हर चीज़ वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलानी चाहिए, ठीक है। अभी हमारे जो हॉस्टाइल एनिमीज़ हैं, ठीक है, तो इस तरह का कन्फ्रंटेशनल इन्वायरमेंट है कि हमें अपने डिफेंस पर तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। अगर हम अपनी डिफेंस को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो इंडिया हो गया या दूसरे जैसे कंट्रीज़ हो गए ना, हमें नीचा मात दिखा सकते हैं। तो एजुकेशन पर भी स्पेंड हो रहा है और एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी सारी हो रही हैं, ठीक है, तो वक्त के साथ साथ सब चीज़ सेट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक जा रहा है सारा कुछ, सबको सही जा रहा है, सब कुछ एवरीथिंग ओके। अगर बात करूँ पॉलिटिकल सिचुएशन भी सही जा रही है? पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, कुछ बातें होती हैं जैसे एस्टेब्लिशमेंट की जो मेडलिंग हो गई पॉलिटिक्स में, हाजी साहब वगैरह हो गए, बाजवा साहब हो गए, वो तो है, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी है, टर्माइल है तो सही, तो इम्प्रूव हो जाएगी ये भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। अगर मैं बात करूँ इसी डिफेंस सेक्टर को लेकर, थोड़ा इस तरफ हो जाए, थोड़ा इधर हो जाए ना, अगर मैं बात करूँ डिफेंस सेक्टर को लेकर या किसी भी सेक्टर के अंदर बात कर लें, इंडिया हर चीज़ को लेकर सीरियस है। आप देखेंगे आईटी को ले लें, आप एजुकेशन सिस्टम को ले लें, आप अगर मुल्क के डेवलपमेंट को ले लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, हर चीज़ में वो दुनिया को बताता जा रहा है कि भाई हम कौम है, हम जागे, हमें पता है कि डेवलपमेंट कैसे करनी है, हमें पता है कि दुनिया में इज्जत कैसे लेनी है। क्या हमें ये चीज़ पता नहीं है या हम बोले हुए या क्या वजूहत है? देखें, पता तो हर किसी को होता है ना कि हमने अपनी कौन सी डायरेक्शन सेट करनी है, हमने किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन हमारी सिचुएशन शुरू से ही कुछ ऐसी आ रही है कि सुपर पावर्स की मेडलिंग होती है हमारी पॉलिटिक्स में, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट का भी आपको पता है बहुत बड़ा रोल है, तो मामला ठीक नहीं हो रहे कि डायरेक्शन सेट नहीं हो रही। जो सुपर पावर्स की इधर वो क्या कहते हैं, उन्होंने बैटल फील्ड बनाया हुआ है ना हमें, तो ये बहुत बुरी चीज़ है जिसकी वजह से हम ना आगे नहीं जा पा रहे। बाकी आवाम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है पाकिस्तान की, देखें आप खुद अपने आप को देख लें, आप माशाल्लाह माल रोड पर आए हुए हैं और अच्छी एक्टिविटी है माशाल्लाह, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पेस है वो स्लो थोड़ी ज़रूर है, लेकिन प्रोग्रेस हमारी हो जाएगी इंशाल्लाह विद इन 50 ईयर्स। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नाइस टॉक विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र भाई जान। सर नाम आपका? कल्बे अब्बास। कल्बे अब्बास साहब, आपसे पहले भी बात हुई थी, आप बातें ही इतनी अच्छी करते हैं कि आपसे दोबारा भी बात करनी पड़ गई है मुझे। आपकी जरा नवाजी है जनाब। सर बेसिकली आज आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अगर मैं बात करूं मुल्क पाकिस्तान की, तो मुल्क पाकिस्तान के बारे में आप ज़रा बताइएगा कि क्या सिनेरियोज है, क्या हालात चल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको मेन टॉपिक बताऊँगा क्या टॉपिक है मेरा बात करने का। हालात सर जी, महंगाई बेतहाशा है, पेट्रोलियम मसरूआत बहुत महंगी हैं, अशिया खुरदनोश इंसान की पहुँच में नहीं आ रही, अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं कि जो गोली 33 रुपये की थी वो आज 110 रुपये की है,
तो साथ तो सैलरियाँ वही हैं, इनकमें वही हैं, कारोबारी हालात मजीद डाउन हो गए हैं, ये पाकिस्तान का सुनहरी बनता जा रहा है। और लोगों को महंगाई से निकालने के लिए तरक्की की तरफ लेके मुल्क को जाने के बजाय ये अपनी जाती दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं। कभी इमरान खान जो भी बरसर इकतदार आता कहता पहले वाला ये काम डाल गया, मतलब के हालात सही नहीं जा रहे। मैं बात करने का पर्पस ये है कि डिफेंस के ऊपर बात करूंगा, इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको बात अच्छी लगे ना लगे, मेरा मकसद है तरक्की के बारे में बताना दूसरे मुल्कों की भी। सर डिफेंस के अगर उनके पिछले नौ साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनकी 23% ज़्यादा उन्होंने डिफेंस के सामान बाहर के मुल्कों को बेचा, सेल किया, एक्सपोर्ट किया, क्या कहना चाहेंगे हमारे मुल्क के इधर डिफेंस की अगर बात की जाए, हमारे मुल्क की अगर हथियारों की बात की जाए, सर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते, क्या वजूहत है कि हम इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हर मामले के अंदर? अगर आप तरक्की में देखो, अगर आप एजुकेशन में देखो, अगर आप डेवलपमेंट में देखो, हर चीज़ से हम पीछे हैं, हम आगे कैसे जा सकते हैं, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। वाकई इंडिया की जो आप दोस्त हैं वो हमसे ज़्यादा हैं, इंडिया की एयरबेस हमसे ज़्यादा अच्छी है, इंडिया का डिफेंस हमसे ज़्यादा मजबूत है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मोहम्मद वाले मोहम्मद की ताकत है और हमारा ईमान का जज्बा है जो हमें उनके सामने खड़ा रखता है। लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो उनकी जो है वो तैयारे आप दोजें मिल्ट्री असला अच्छी गन्स वो हमसे बेहतर हैं। दूसरी बात, एजुकेशन वहाँ का मोची भी भाई इंग्लिश बोलता है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से है कि स्कूल के बाहर लिखा हुआ होता है, सरकारी स्कूल है, स्कूल के बाहर लिखा हुआ होता है इंग्लिश मीडियम। अब जब बुक्स मिलती हैं हम इंग्लिश में मिलती हैं, अंदर से मैडम कहती है जाएँ बुकें चेंज करवा के बाहर उर्दू मीडियम ले आएँ। अगर कोई गरीब आदमी जैसे मेरे जैसा पेरेंट जाके कहे मैडम इंग्लिश की बुकें हैं तो आप गवर्नमेंट इंग्लिश की दे रही, इसका मकसद है नहीं इंग्लिश पढ़ाएं, वो कहते नहीं आपके बच्चे पे वजन पड़ेगा। और भाई हम गरीब आदमी, अगर आप अपने बच्चे को उठा के कैसे डिल में दाखिल करा दें या जहाँ प्रिंसिपल का अपना बच्चा पढ़ता है वहाँ दाखिल करा दें तो ये हमारा बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा। और वजीर तलीम वजीर सियासत को इन बातों की तरह तवज्जो ही नहीं है, उनका बच्चा अंग्रेजी बोलता है। 100 साल हमारे ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत की है, जाते हुए जबान छोड़ गए, एक मामूली जबान ही है ना अंग्रेज। इंडिया का बच्चा बच्चा बोलता है तो हमारा क्यों नहीं बोलता? हमारा बच्चा हमेशा इंग्लिश में फेल, उसकी रीज़न यही है ना, लिखा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो अंदर टीचर भर्ती किए उनको भी इंग्लिश नहीं आती, ये कैसी बात है? अब आपने बात की एजुकेशन के बाद डिफेंस भी हो गया, एजुकेशन भी होगी, मुआशी हालात मानता हूँ इंडिया का आधा हिस्सा गुरबल में मुबतला है, जो बाकी का हिस्सा है वो तो बड़ा स्टैंडर्ड का है ना। अब आधे की बात की आपने, आप स्टेट्स को गुरबत कहाँ पर चाहते हो? इधर गुरबत भाई जान पहले हम उनसे बेहतर थे ऐसा लगता है मुझे, लेकिन मैंने इन भाई साहब से बड़ी बातें चाहते की, उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि नहीं भाई गुरबत उधर नहीं है, असल में इधर है। उसकी रीज़न ये है कि हम ज़रा दीदा दलेर बंदे हैं लाहौर की आवाम है, लेकिन लाहौर के अलावा भी बाकी हमारे सूबे भी हैं, हमारी बाकी मुल्क भी हैं, हमारे सिंध भी तो हमारे ही जहाँ पानी नहीं है। अगर उधर लैटरिन नहीं है तो इधर पानी नहीं है भाई, लैटरिन फिर बंदा झाड़ी के नीचे घुस के कर सकता है, पानी का क्या करेंगे? फिर अगर दूसरे शहरों को छोड़े, ये लाहौर के नज़दीक 2-4 गांव हैं, गांव फिरोजवाला हो गया, उससे आगे जो चक है, आप यकीन करेंगे पीने के लिए पानी मैसर नहीं है, खारा पानी गंदा जंग वाला पानी है, जो गवर्नमेंट की पाइपलाइन अरसे दराज से चेंज नहीं हुई। इंडिया की बदखोई करने से बेहतर यह है कि आप अपने मुल्क को संवारें, अपनी तरक्की की तरफ आए, अपनी सियासी दुश्मनियाँ छोड़ें। हमारा माइंडसेट, हमारा दिमाग इस तरह का डिज़ाइन किया गया, इस तरह का बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम इंडिया के साथ जोड़ने की भी बात करेंगे वो हमें कह देंगे ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है। आप बताएं ज़रा, अगर उस मुल्क के साथ अगर हम दोस्ती कर लेते हैं वो दुनिया के पास भी बड़ी मईशत है, फ़ायदा किसको होगा? हम करें ना करें हमें उसको ज़रा रद्दी बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हमें पड़ता है। अगर हम उसके साथ आए लेन देन करेंगे सर, उनके वहाँ पर आटा 25 रुपये की जो है केजी है और यहाँ पर 180 रुपये केजी है, अगर वहीं आटा एक बाउंड्री का फ़र्क है, दुश्मनी कर रखी है, दुश्मनी ख़त्म कर दें। यहाँ पर गरीब लोग तिजारत कहाँ कर रहे हैं सर? ये तिजारत आप इंडिया के साथ क्यों नहीं करते? सब तो पहले तो मैं दसो भाई, वो दूजे मुल्कों से पेट्रोल लेंदे पे हो, इतने आके अरक साड़ा निकल आंदा है, हम सहाया जो पेट्रोल देंद भावे ईरान भावे वो देखो क्यों नहीं लेंगे? सही बात है, तुम पेट्रोल लवो भैने में सू भी कम ध्यान आसान हो। सही कह रहे हैं आप, जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए सर, आप बताएं मुझे, अगर हम यही रंगबाजी है, टमाटर इतना हूँ, टमाटर 30 रुपए किलो करके किसान करता है, अफगानिस्तान तो टमाटर आ रहा है, तो अपने मुल्क जमीन मुक गई है, इतने किसानों को खर्चा दो, किसानों को डंगर दो, जिम्मे उन्होंने दिते ने। सर हमने सारे वो डेवलप सोसाइटीज बना दी हैं, अब पैसे कमा रहे हैं, हमने सारी जो ज़मीन थी जिससे फसलें आती थी सब खत्म कर दी हमने। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
सर अगर हम आज ट्रेड शुरू कर देते हैं ना सर, सर जो चीज़ें जो मेडिसिन यहाँ पर हमें पैनाडोल के पत्ते की किल्लत है सर, अगर हम इंडिया से लें ना हमें 2 रुपए का पत्ता मिले, हम दूसरी दुनिया से लेते हैं रॉ मटेरियल, हम अमेरिका से लेना पसंद करते हैं, यूरोप से लेना पसंद करते हैं, अगर हम इंडिया से वही रॉ मटेरियल ले, यहाँ पर जो अस्पतालों में मेडिसिन के बाहर लिए लोग मर रहे हैं, लोग अपने किताबों पर लेकर बाहर आ रहे हैं जो पेपर्स लेके, उनको मेडिसिन फ्री मिले। बिल्कुल वाकई नहीं, ये बात सच्ची है भाई की। जो अच्छा ही जो इंडिया के डॉक्टर हैं वो दुनिया में सारी में फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए आते हैं कि यहाँ बीमारी ज़्यादा, तजर्बा करने को ज़्यादा मिलता है। बाकी अगर आप कहें कि नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं तो बिल्कुल झूठ है भाईजान। मैं एक सेलमैन हूँ, मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, बड़े बड़े मुल्कों के डॉक्टर आते हैं, और मैंने उनसे इसी तरह भाईजान की तरह राय ली है। वो सिर्फ यही बताते हैं कि यहाँ तजर्बा करने को अच्छा मिल जाता है, बीमारी ज़्यादा है। मेरे भाई इलाज करने वाला ज़्यादा नहीं है, तजर्बेकार लोग ज़्यादा हैं। इंडिया के पास डॉक्टर अच्छा है, बैरून मुल्क से मेरे पास मुस्लिम कस्टमर आते हैं पाकिस्तानी। एक चीज़ बताऊँ, लीवर ट्रांसप्लांट बहुत बड़े चीज़ है यहाँ पर, किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में नहीं होती, यहाँ से इंडिया जाते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर ये शर्म नहीं आती कि तुम जब मसला, जब हमारे मुल्क में कोई हालात ख़राब हो जाते हैं ना, जब सैलाब आता, तूफान आता या इधर में भुखमरी होती है, फिर तब हमें इंडिया से ट्रेड करने में कोई शर्म नहीं है। जब हमारे तलाक हालात ठीक होते हैं तब हम कहते हैं कि भाई इंडिया ख़त्म, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं, इंडिया के साथ ये नहीं वो नहीं। जब हालात ख़राब हो तब आपका पता चलता ना कि तब आप कहोगे भाई अब भी नहीं करते हम, जब हालात ठीक होते हैं तो फिर आप क्यों बंद कर देते हैं। जब मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए, जब हालात बेहतर हैं तो इसको मजीद बेहतर करना चाहिए, ना कि ख़राब करें। सही बात है। अगर आपको हम सहाय मुल्क सस्ती चीज़ दे रहा है, अब मैं अपनी एक बात करता हूँ, मेरे घर के साथ दुकानदार मुझे फ्री या सस्ती डबल रोटी दे रहा है तो मुझे जरूरत क्या पड़ी है गोरमे जाने की। बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ से क्यों नहीं शॉपिंग करते? अब आप ये देखें कि उसकी 75% आबादी मुसलमान है, मुल्क की हुकूमत को आप छोड़ें, आप अपने मुसलमान तो अल्लाह ने बताया कि भाई भाई है, तो आप भाईचारा उनके साथ बनाएं, उनकी मजहबी अबादात गाएँ यहाँ हैं, यहाँ पे उनको अलाउ करें, वो हमें वहाँ अलाउ करें। कितनी बड़ी बात, तजारती मामूलात अपने दुरुस्त करें। इतनी दूर दूर से जो आप टमाटर और ये थोम और ये प्याज और ये बाकी से खरीदते हैं, पेट्रोल मेन हमारे मुल्क में बड़ा मसला, पेट्रोल बना पड़ा है, आटा बना पड़ा है, अपने मुल्क में पैदा की गंदम बाहर ना बेचें, अपने पास रखें, अगर हमें ज़रूरत